आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में एंड दिस विल बी लेक्चर नंबर 17 इससे पहले टोटल 16 जा चुके हैं तो मेक श्योर sure आपने जो है उन्हें देख लिया हो ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन करने में आसानी हो और आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ सके तो जब हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं तो कहानी यहाँ पर यह आती है कि ऑल ऑफ सडन हम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने अपने सबसे पहले लेक्चर में आपको ये बात बताई थी अगर मैं एक छोटा सा यहाँ पर समरी लेना चाहूँ तो मैंने आपको ये बताया था कि मान लीजिए बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है ठीक है तो ऐसा तो है नहीं कि बॉडी उसके मतलब कि पैथोजन एंटर कर रहा है तो बॉडी उसके लिए रिएक्ट नहीं करती है बिल्कुल रिएक्ट करती है और रिएक्ट कैसे करती है कि बॉडी जो है बॉडी में जब पैथोजन एंटर करता है तो हमें प्रोटेक्शन मिलता है अगर मतलब प्रोटेक्शन मिल सकता है तब की बात की जा रही है तो किसी पैथोजन ने क्या किया बॉडी में एंट्री लिया ठीक है यहां पर एंट्री लिया और अगर हमारी बॉडी उससे फाइट करती है या हम जब पैथोजन से फाइट करते हैं तो मेनली हमारा प्रोटेक्शन मैकेनिज्म जो है ऑन रहता है अब ये प्रोटेक्शन मैकेनिज्म ऑन रहता है क्यों ऑन रहता है क्योंकि यहाँ पर कौन काम कर रहा है हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है और आपको पता है कि इम्यून सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम में बहुत सी चीज़ें चली आती हैं जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इम्यून सिस्टम जो मिलकर बना है वो है इम्यून सेल्स से ठीक है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा बहुत से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं राइट ऑर्गन्स में हमने देखा था कि कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो कि इम्यून सेल्स का प्रोडक्शन करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जहां पर मेनली एंटीजन और इम्यून सेल्स दोनों मिलकर वहां पे काम करते हैं यानी इनकाउंटरिंग होती है इतना ही नहीं हमने ये भी देखा था कि बॉडी में कुछ प्रोटीन्स भी हैं राइट जिसे हम इम्यून प्रोटीन्स कह सकते हैं नॉर्मल प्रोटीन्स कह सकते हैं अब ये प्रोटीन्स भी क्या करती हैं ये प्रोटीन्स भी उस इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है उस पैथोजन से जो कि बाहर से आया है ठीक है इसको एक हम पैथोजन मान लेते हैं ये बाहर से आया है इससे जो है हमारा प्रोटेक्शन करती है तो इम्यून सेल तो हमने बहुत सेल देख लिए ठीक है ऑर्गन भी हमने पढ़ लिया प्राइमरी लिम्फॉयड ऑर्गन सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन ये सब भी पढ़ लिया अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बारे में अब ये जो प्रोटीन्स हैं ऑब्वियसली बहुत से अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स हैं जैसे कि एंटीबॉडी की बात की जाए तो वो भी एक टाइप के प्रोटीन ही हैं लेकिन यहाँ पे हम एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन की बात कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट होती हैं बट ऐसा नहीं है सिर्फ इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट होती हैं वो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में भी मदद करती हैं लेकिन इन्नेट इम्यून का वो मेजर पार्ट मानी जाती हैं और उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ठीक है इन्हीं इन्हीं के बारे में जो है आज हम बात करने वाले हैं दिस इज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन तो आई होप मैंने जो है आपका थोड़ा सा कनेक्शन बैठाने की कोशिश की है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं क्योंकि किसी भी टॉपिक से कनेक्टिविटी हमारी जरूरी होती है ये नहीं कि ऑल ऑफ सडन हम कोई भी टॉपिक शुरू कर दें और आपको समझ में ना आए तो उम्मीद करती हूं ये चीज कनेक्टिविटी आपको समझ में आ गई होगी कि हम आज कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं अगर इनकेस आप रेगुलर वीडियो देखते हो टीचिंग पाठशाला के तो लास्ट जो वीडियो गया था दैट इज लेक्चर नंबर 16 उसमें मैंने बात किया था फीवर रिस्पांस के बारे में फीवर रिस्पांस एक टाइप का इननेट इम्यून रिस्पांस होता है इन दैट वे ओनली जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं दे आर दी मेजर पार्ट ऑफ इननेट सिस्टम लेकिन जैसे मैंने कहा जब हमने इन्नीट इम्यून सिस्टम पढ़ा था तो हमने ये भी देखा था कि इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का एक्टिवेशन करवा सकता है क्योंकि इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स में जो सेल इन्वॉल्व है वो आगे चल के एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करवा सकती हैं कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलता है तो देखिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये क्या होती है ये सिरम में पाई जाने वाली प्रोटीन्स होती हैं। इनका नेचर ग्लाइकोप्रोटीन्स भी हो सकता है इसे हम नॉर्मल सीरम प्रोटीन भी कहते हैं हम इसे कभी कभी प्रोटीन भी कहते हैं तो ये सारे टर्म हैं जो कि इनके लिए यूज किए जाते हैं ये सीरम प्रोटीन क्या करती हैं? दैट कॉपरेट विथ बोथ इट एज वेल एज एडेप्टिव इम्यून सिस्टम तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनका काम होता है ये इननेट इम्यून सिस्टम एज वेल एज एडेप्टिव इम्यून सिस्टम दोनों में ही काम करती हैं और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है ये क्यों काम करती हैं क्योंकि इनका काम होता है मेनली कि बॉडी में जो पैथोजन एंटर किया है और वो पैथोजन चाहे ब्लड में प्रेजेंट हो या किसी टिश्यू में प्रेजेंट हो उस पैथोजन को बॉडी से निकालने का काम करती हैं ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और ये निकालती कैसे हैं वो भी देखने वाली बात है तो देखिए ये प्रोटीन्स मेनली इंट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे से मतलब कि ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सिर्फ एक प्रेजेंट है देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स और ये प्रोटीन्स क्या करती हैं ये आपस में इंट्रैक्ट करती हैं वो भी कैटेलेटिक मैनर में और कैटेलिटिक कैस्केड करवाती हैं अब ये जो कैटेलिटिक मैनर या कैटेलिटिक कैस्केड है ये अपने आप में एक मतलब एक हैवी वर्ड हो जाता है तो कैटेलिटिक का मतलब क्या होता है किसी रिएक्शन को कैटेलाइज करवाना यानी किसी रिएक्शन को प्रोसीड करने में या किसी रिएक्शन को करवाने में मदद करना दैट इज वॉट कॉल दैटल मतलब कि कैटेलाइज करवाना और हेंस इनका एक्टिविटी होता है ठीक है कैटेलिटिकलिटिक कैस्केड का मतलब क्या हो गया जब भी ये अपने जैसे प्रोटीन्स का एक्टिवेशन करवाती हैं मेन काम होता है कि उस प्रोटीन को पहले ये ब्रेक कर देती है ठीक है इसलिए कैटलिटिक कैस्केड्स का नाम दिया गया पहले उसको ब्रेक करेंगी फिर उनको एक्टिवेट करेंगी और ऐसा नहीं होता कि एक ही प्रोटीन एक्टिवेट होकर काम करती है मल्टीपल प्रोटीन यहाँ पे एक्टिवेट होती हैं जैसे मान लीजिए ए एक्टिवेट हुआ ए ने बी को किया फिर बी एक्टिवेट हुआ बी ने सी को किया फिर सी एक्टिवेट हुआ सी ने डी को किया इसे हम कहते हैं कैस्केड कैस्केड रिएक्शन सो प्रोटीन इंटरेक्ट वन इन अ मैनर ओके ये सारा इंपॉर्टेंट चीज हो गया आज जब इस बात पे जो है डिस्कशन चल रहा था तो मेन जो टर्म है कॉम्प्लीमेंट का वो दिया गया कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है मीन्स द एक्टिविटी ऑफ द ब्लड सिरम दैट द एक्शन ऑफ एंटीबॉडी यानी ये देखा गया कि मान लीजिए कोई पैथोजन बॉडी में एंटर किया ठीक है और इस पैथोजन को इनकाउंटर किया किसने एंटीबॉडी ने जब ये एंटीबॉडी और इस पैथोजन का इंकाउंटर चल रहा था तो इनका जो एक्शन है इसके इसको कंप्लीट करने के लिए यहां पर जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आकर काम करने लगी यानी एक ढंग से आप ये कह सकते हो जब एंटीबॉडी एंटीजन से इंटरेक्ट कर रही थी तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन भी आकर यहाँ पे बाइंड कर गई और इस इंट्रैक्शन को और ज्यादा बेटर बना के इस पैथोजन को बॉडी से एलिमिनेट करने में मदद किया यानी एक ढंग से इसने इम्यून को कॉम्प्लीमेंट कर दिया और अच्छा कर दिया और बढ़ा दिया जिसकी वजह से जो पैथोजन है उसका एलिमिनेशन बॉडी से आराम से हो गया तो दिस इज व्हाट द मेन फंक्शन एज वेल एज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट तो इनका काम होता है किसी का साथ देना जो काम ऑलरेडी हो रहा है उस काम को और बेहतरीन ढंग से जो है करवाना और इनको मेनली फर्स्ट टाइम देखा गया था कि ये एंटीबॉडी के साथ मिलकर काम कर रही थी ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन अब आपको पता है एंटीबॉडी की अगर हम बात करते हैं तो एंटीबॉडी कौन से इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट है ये क्योंकि एंटीबॉडी को कौन बनाता है बी सेल्स बनाती हैं, राइट तो बी सेल्स अगर आ गई तो सीधी सी बात है ये एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का पार्ट हो गया बट ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमेशा एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स करवाती है ऐसा हमेशा नहीं होता है क्योंकि वो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स में भी पार्टिसिपेट करती हैं इनफैक्ट इनका तो मेन जो एरिया होता है वो इन इम्यून रिस्पॉन्स का होता है लेकिन साथ ही साथ ये इम्यून में भी पार्टिसिपेट करती हैं ओके okay? तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्लियर हो गए हैं आपको अलग अलग डेफिनेशन मैंने दिए हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के नाउ नाउलेट सी कि ये फंक्शन कैसे करती है हाउ दे फंक्शन तो हम जरा से यहाँ पे देख लेते हैं द वे दे यूज टू फंक्शन इन आर बॉडी तो इनके फंक्शन करने का तरीका अलग अलग है जैसे कि ये बाइंड हो सकती हैं ऑप्शोनाइज बैक्टीरिया से ऑप्शोनाइज बैक्टीरिया से बाइंड भी हो सकती हैं ऑप्शनाइजेशन भी करवा सकती हैं ऑप्शनाइजेशन का मीनिंग आई थिंक हमने अपने फोर्थ या फिफ्थ लेक्चर में देखा था जिसमें कि अगर कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है तो उसको चारों तरफ से कुछ एंटीबॉडीज जो है या फिर कुछ ऐसे प्रोटीन्स घेर लेते हैं और उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को और ससेप्टेबल बना देते हैं फैगोसाइटोसिस के लिए यानी उसकी ससेप्टेबिलिटी फैगोसाइटो फैगोसाइटोसिस के लिए और बढ़ जाती है तो मेनली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का काम होता है ऑप्सोनाइज बैक्टीरिया से बाइंड कर जाना यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसको कि ऑलरेडी बहुत से ऑप्सोन प्रोटीन्स ने बाइंड करके रखा है उस ऑप्सोनिन या ऑप्सुनाइज बैक्टीरिया से जाकर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड कर सकती है और बाइंड करके क्या कर सकती है दे कैन मेक दैट पैथोजन ससेप्टेबल फॉर द फैगोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ द मैक्रोफाज क्योंकि मैक्रोफाज आर द फैगोसाइटिक सेल तो ऑप्सोनाइज बैक्टीरिया से जब ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन बाइंड करती हैं बाइंड करने के बाद उसको मैक्रोफाज के पास ले जाकर फैगोसाइटोसिस करवाने में भी मदद करती है इतने ही नहीं इनका फंक्शन मेनली इनफ्लमेटरी रिस्पॉन्स में भी देखा जा सकता है जो हमारा लास्ट टू लास्ट लेक्चर था उसमें हमने इन्फ्लेमेशन देखा था इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखे थे तो उस इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स में एक प्रोटीन ये भी हो सकती हैं जो कि पार्टिसिपेट जो कर सकती हैं, जो कि हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। इतना ही नहीं बॉडी से अपॉप्टोटिक सेल को रिमूव करने का काम भी कर सकती हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इवन दे कैन किल द पैथोजन बाय क्रिएटिंग पोर्स इन दी माइक्रोबियल मेम्ब्रेन ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे हम मेनली कहते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं वो अपने पैथोजन के के सरफेस ऊपर जो है मैक का फॉर्मेशन कर देती हैं अब ये मैक होता क्या है देखिए जब कोई पैथोजन एंटर करता है तो सीधी सी बात है जैसे कि हमारा सेल मेम्ब्रेन है उनके पास भी एक सेल मेम्ब्रेन होती है बाहरी मेम्ब्रेन और उस सेल मेम्ब्रेन की अपनी एक पॉम्यबिलिटी है कि हाँ मतलब कि बाहर और अंदर का जो आयंस uh, का कंसंट्रेशन होता है वो कैसा मेंटेन रहेगा पैथोजन की बॉडी के अंदर लेकिन आप जरा इमेजिन कीजिए कि अगर उस मेम्ब्रेन में हम छोटे छोटे से पोर्स क्रिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा तो वो मेम्ब्रेन अब एक नॉन सेलेक्टिव हो जाएगी और बाहर से कोई भी चीज अंदर की तरफ एंटर करने लगेगी पैथोजन की बॉडी में तो और ये क्या करेगा ये पैथोजन का पूरा का पूरा जो है डिस्ट्रक्शन करवा के रख देगा क्योंकि उसके मेम्ब्रेन में अब छोटे छोटे से पोर्स बन गए हैं यानी एक तरीके का ये डिस्ट्रक्शन मैकेनिज्म है तो ये पोर्स क्रिएट करवाने में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स मदद करती हैं अपने पैथोजन के ऊपर जब वो अटैक करती हैं तो उनका एक कॉमन मैकेनिज्म होता है कि उनका मेन एम है कि जो पैथोजन को उन्होंने इनकाउंटर किया है उस पैथोजन के सरफेस के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स क्रिएट करवा दें और उसके बाद उस पैथोजन का डिस्ट्रक्शन करवा दें तो ये जो है मेजर पांच तरीके से फंक्शन करती हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्सपेक्टिंग नाउ लेट सी कौन कौन से एरिया हो सकते हैं जहां पर ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का मेनली सिंथेसिस होता है लोकेशन की बात करें अगर सिंथेसिस लोकेशन की बात करें तो, तो देखिए अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मेजरली कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है और ये तरीके से मदद करते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के में. ये होता है, सबसे बड़ा एरिया आई मीन टू से सबसे बड़ा लोकेशन uh, हो जाता है जहां पर मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया हैं या कुछ ऐसे भी सेल टाइप है जो कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का एक्टिवेशन एज वेल एज सिंथेसिस करते हैं लेकिन थोड़े से कम अमाउंट में करते हैं तो सम कॉम्प्लीमेंट आर अदर सेल टाइप क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से लोकेशन uh, में इनका सिंथेसिस होता है तो मेजर तरीके से तो लीवर हो गया लेकिन एक माइनर बेसिस पे कुछ और भी सेल्स होती हैं जो कि सिंथेसिस करवाने का काम करती हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का एग्जांपल के लिए हो गया फर्स्ट हो गया ब्लड मोनोसाइट ब्लड में पाए जाने वाले मोनोसाइट भी इसका सिंथेसिस करते हैं टिश्यू मैक्रोफेज, ठीक है फाइब्रोब्लास्ट हो गया एंड लास्ट हो गया एपिथीलियल सेल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एज वेल एस जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट इस एरिया में पाए जाने वाले एपिथीलियल सेल भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं तो ये बात हो गई लोकेशन की कि क्या लोकेशन होता है कैसे काम होता है एज वेल एज कितने टाइप के सेल जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक्टिवेशन कर सकते हैं अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको कि बहुत ध्यान से आपको सुनना है क्योंकि ये जो हमारा लेक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ अभी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के जो बेसिक्स होते हैं उसके साथ डील कर रहा है यानी आप कह सकते हो दिस इज जस्ट अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इसके तीन वीडियो और आएंगे जिसमें कि हम तीन अलग अलग पाथवे के बारे में बात करेंगे वो भी डिटेल मैनर में ओके तो देखिए क्या होता है कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट कैन बी क्लासिफाइड इंटू दी सेवन फंक्शनल कैटेगरीज अब आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है इनको हम सी प्रोटीन के नाम से जानते हैं ठीक है आपको देखने को मिलेगा जैसे कि सी बोल दिया जाएगा सी बोल दिया जाएगा सी कह दिया जाएगा ये सी वन सी एंड सो ऑन इन ये शॉर्टकट हो गया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स को लिखने का तो होता ये है कि ये प्रोटीन जो है एज इट इज काम नहीं करती है इनका मेनली क्या होता है इनका ब्रेकेज होता है यानी ये क्लीव होती हैं क्लीव होकर मान लीजिए ये एक्स एंड वाई पार्ट में बदल गई ऑल दो मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन से पार्ट में चेंज होती हैं आज ही मैं इस बारे में डिस्कस करूंगी मैं आपको जस्ट एक रफ आइडिया दे रही हूँ तो मान लीजिए ये C1 वन एंड सी टू है मान सिर्फ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं C2 जो है ये ब्रेक होकर X एंड Y में चेंज हो गया तो हम क्या कहेंगे कि X भी इसका कंपोनेंट है ठीक है X इज एक्टिंग एज अ कंपोनेंट एज वेल एज Y इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ कंपोनेंट ठीक है एक्स और वाई दोनों ही इसके कंपोनेंट की तरह काम कर रहे हैं वो है सी टू का ही ब्रेक पा। पार्ट है जो कि C2 ब्रेक होकर बन गया है तो वही कंपोनेंट की बात हो रही है कि जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट होते हैं इनको सात कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है बेस्ड ऑन देयर फंक्शन यानी एक जब कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ब्रेक होता है क्योंकि वो जब क्लीव होता है तभी वो एक्टिव होता है ठीक है ऐसे अगर जनरल में आपको एक बात बताऊं नॉट ऑल बट मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो कि हम पढ़ेंगे ठीक है वो लगभग ए एंड बी के कॉम्बिनेशन में रहते हैं जब तक वो एक साथ रहते हैं ए और बी सब यूनिट उनका जब तक जुड़ा हुआ रहता है तब तक वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन इनएक्टिव रहते हैं और जैसे ही उनका ए और बी सब यूनिट अलग हो गया मान लीजिए ए अलग हो गया बी अलग हो गया तब इस टाइम पे ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये जो यहाँ पर हमने सब यूनिट बोला है ये कंपोनेंट भी हो सकता है इसको हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं तो वही बात यहाँ पर बोली गई है कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जब एक्टिव होंगी तो वेरी ऑब्वियसली वो क्लीव होंगी क्लीव होंगी तो अपना अलग अलग कंपोनेंट या अलग अलग सब यूनिट बनाएंगी अब वो सब यूनिट क्या काम करता है इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन के बेसिस पे हमने डिवाइड किया है इसको टोटल सात कैटेगरी में अब ये जो कंपोनेंट है ये इनिशिएटर की तरह काम कर सकते हैं इनिशिएटर की तरह काम करने का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करना शुरू करवाना ठीक है जैसे कि एक एग्जाम्पल है सी वन क्यू एम बी एल एंड फिकोलिन्स ये क्या कर सकते हैं ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का कंपोनेंट है और ये रिएक्शन को या पाथवे को इनिशिएट करवा सकते हैं शुरू करवा सकते हैं इन सब के बारे में आपको जानने को मिलेगा आने वाली क्लासेस में कि ये सी वन क्यू क्या है एम बी एल फिकोलि ये सब क्या है सबके बारे में आपको आने वाली क्लास में जानने को मिलेगा क्योंकि आज सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्टरी पोर्शन है सेकेंड जो प्रोटीन होती हैं या फिर सेकेंड जो कंपोनेंट होता है उसे हम बोलते हैं कन्वर्टर्स एक्टिवेटर्स एज के एंजाइम को एक्टिवेट करवाएंगे उनका नाम यहाँ पे देख के रखा है जैसे कि हो गया सी वन आर सी वन एस सी फोर बी सी टू ए और जिसका काम होगा एज अ एनजेमेटिक मीडिएटर यानी जो एंजाइम की तरह काम करेंगी वो होगा सी थ्री कन्वर्टेज एज वेल एज सी फाइव कन्वर्टेज इनका जैसा नाम है वैसा ही काम है जैसे कि एक का काम है कन्वर्टेज एंजाइम का एक्टिवेशन करवाना और एक का काम है कन्वर्टेज एंजाइम जैसा काम करना तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे बता के रखा है थर्ड देखिए कुछ ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट के कंपोनेंट होते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं जो ऑप्शोनिन जैसे काम कर सकते हैं फैगोसाइटोसिस करने में मदद कर फैगोसाइटोसिस करवाने में मदद कर सकते हैं फोर्थ एनाफाइलोटॉक्सिंग यानी कुछ ऐसे भी कंपोनेंट कंपोनेंट हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के जो कि की, की तरह काम कर सकता है अब ये एनाफाइलोटॉक्सिन क्या है ये एनाफाइलोटॉक्सिन का, का काम होता है इन्फ्लामेशन करवाना ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूं मैं कि इन्फ्लामेशन क्या होता है इसके अलावा फिफ्थ इनका फंक्शन होता है मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करवाना मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा होता है मान लीजिए दिस इज द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया के सरफेस पे इस तरीके से देख रहे हैं आप कैसे पोर क्रिएट हो गया ये पोर जो क्रिएट होता है इसे इसे हम हम बोलते हैं हम हैं मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स शॉर्टकट में कहते मैक मैक जब ये बन जाता है पैथोजन के सरफेस पे तो उस पैथोजन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और वो पैथोजन का फिर एलिमिनेशन हो जाता है बॉडी से तो फिफ्थ कंपोनेंट मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स की तरह सॉरी फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स की तरह काम कर सकती है नेक्स्ट सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होगी कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर यानी कुछ ऐसे भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के कंपोनेंट हैं जो कि रिसेप्टर की तरह काम कर सकते हैं एंड लास्ट रेगुलेटरी प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के कुछ कंपोनेंट्स रेगुलेटरी प्रोटीन्स की तरह भी काम कर सकते हैं जो कि आगे चल के पाथवे को कंट्रोल कर लेंगे अब इस ढंग से हमने टोटल सात देखा ठीक है सात टोटल हमने डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट देखे एग्जाम्पल्स मैंने बताया नहीं है एग्जाम्पल्स में आने वाली क्लासेस में बताऊंगी तो ये जो सात हमने डिफरेंट कैटेगरी देखी है वो क्या है वो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के कंपोनेंट है ठीक है अगेन आई एम सेइंग मैं बार बार इसलिए बोलूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के कंपोनेंट है जैसे कि यहाँ पे ए और बी मैंने बताया वैसे ही कुछ कंपोनेंट्स होंगे जो कि यहां पर मदद करेंगे ठीक है तो मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी ओके अब बात करते हैं हम फीचर्स के बारे में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन के फीचर्स क्या हैं? पहला तो फीचर है कि ये सीरम प्रोटीन है नो no डाउट अभी मैं ऑलरेडी इससे पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूं अभी तक मोर देन थर्टी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन देखे जा चुके हैं मतलब कि डिस्कवर हो गए हैं और लेकिन हम जिनको डील करेंगे वो डील करेंगे हम C1 से लेके C9 तक हमें इतने के बारे में ही पढ़ना है ऐसा नहीं है कि हाँ डेढ़ सौ जीन होती है तो डेढ़ सौ जीन के बारे में ही पढ़ना है अगर आपके मतलब की जितनी जीन्स हैं आपको उतने के बारे में ही पढ़ना है तो हम C1 से लेके C9 तक हम पढ़ते हैं अब देखिए इनका अगर नाम देखते हैं आप तो ये कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन सी है लेकिन इनको नाम दिया गया है सी वन सी वन यानी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वन फिर हो गया सी टू कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन टू एंड सो ऑन इस तरीके से करते करते कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन नाइन तक जो है हम पढ़ेंगे एज वेल एज इनका फंक्शन देखेंगे क्योंकि जिस पाथवे को हम पढ़ने वाले हैं उन पाथवे में सी वन से लेकर सी नाइन तक इन्वॉल्व होती है इन्हीं को हम एक साथ जो है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कहते हैं इन सारे प्रोटीन्स में जो सबसे ज्यादा अबंडेंट कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं वो होती हैं सी थ्री ये इंपॉर्टेंट है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एक आध एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी सबसे ज्यादा अबंडेंट होती हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन तो दैट विल बी दी C3, ठीक है इनका इनका मेन फंक्शन होता है कि ये कैस्केड मैनर में काम करती हैं। यानी एक का एक्टिवेट होना दूसरे को एक्टिवेट करता है दूसरे का एक्टिवेट होना तीसरे को तीसरे का एक्टिवेट होना फोर्थ वाले को एक्टिवेट करता है एंड सो ऑन इनका मेनली देखा गया है कि दे मे और मे नॉट बाइंड टू एंटीबॉडी Although, जब स्टार्टिंग में इनको देखा गया इनका इनका जो जो नाम है, इनका नाम जो है है सिग्निफाई करता है कि इनको कॉम्प्लीमेंट क्यों कहा जाता है तो इनिशियली देखा गया कि ये एंटीबॉडी के साथ जो पैथोजन बाइंड करके रखता है उसके एक्शन को कंप्लीट करवाने में मदद करती है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एंटीबॉडी के साथ काम करती है एंटीबॉडी के साथ काम कर भी सकती है एंटीबॉडी को छोड़कर किसी और सेल के साथ भी काम कर सकती है कुछ और इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवाने में तो ये एंटीबॉडी के साथ भी काम कर सकती है बिना एंटीबॉडी के भी काम कर सकती है इस बात को आपको याद रखना है ठीक है अब जरा हम समझते हैं कि इनका वर्किंग मैकेनिज्म कैसे होता है कैसे ये ब्रेक होती है कैसे ये एक्टिवेट होती है एवरीथिंग ठीक है तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा C1 से लेकर C9 तक ही हम डील करेंगे इसलिए मैंने C1 से लेकर C9 तक सभी का बिहेवियर यहां पर लिख के रखा है जैसे कि अगर देखा जाए तो जो वर्किंग मैकेनिज्म है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का देखा यह जाता है कि इनके एक्टिवेशन के लिए इनका फ्रेगमेंटेशन होना जरूरी है बट सारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का फ्रेगमेंटेशन हो यह जरूरी नहीं है मैक्सिमम का देखा जाता है कि फ्रेगमेंटेशन होने के बाद ही ये एक्टिव होती हैं। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए वन प्रोटीन वन प्रोटीन जो C1 से लेके C9 तक प्रोटीन है उनमें से पाई जाने वाली इकलौती ऐसी प्रोटीन प्रोटीन है C1 प्रोटीन, जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाई जाती है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पाए जाने का मतलब हो गया कि इसके पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट होते हैं इसलिए हम इनको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं तो C1 इकलौती ऐसी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखी जाती है क्योंकि इसके पास जो कॉम्प्लेक्स है उसको हमने नाम दिया है सी वन क्यू सी वन आर एंड सी वन एस ये तीन जो है यहाँ पर आप कह सकते हो सब यूनिट हो गई इसकी जो कि पाई जाती है इन तीनों का काम अलग अलग होता है जिसके बारे में हम आने वाले क्लास में डील करेंगे और देखेंगे कि सीवन क्यू क्या करती है C1R, आर C1 एस ये सारी क्या करती हैं। तो ये याद रखना है कि C1 एक कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है C1 प्रोटीन यानी C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स की तरह काम करता है नाउ नेक्स्ट सीटो को देखते हैं C2 टू एक्चुअल में एक एक्सेप्शन को दिखाती है लेकिन C2 का एक्सेप्शन हमें तब समझ में आएगा जब हम ये समझेंगे कि एक्चुअल में कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कॉमन तरीके से कैसे क्लीव होती है तो C2 पे हम दोबारा से आएंगे लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं C3 थ्री टू सी जो प्रोटीन है वो कैसे काम करती है अब देखिए जब मैं कह रही हूँ सी टू सी थ्री टू सी फाइव इसका मतलब ये हो गया कि मैं बात कर रही हूँ सी थ्री के बारे में भी सी फाइव एंड सी फाइव सॉरी सी फोर एंड सी फाइव तीनों के बारे में मैं बात कर रही हूँ तो इन तीनों में जो ब्रेक होने का या क्लीव होने का जो मैकेनिज्म होता है वो सेम है जैसे कि जब C3 का ब्रेकडाउन होता है तो वो C3A थ्री ए में बदलती है सी थ्री बी में बदलती है अगर आपको याद हो तो अभी अभी जस्ट मैंने कहा था कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होती हैं, वो A एंड B के कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट होती हैं। जब तक ये कॉम्बिनेशन एक साथ है ये प्रोटीन्स इनएक्टिव रहती है ठीक है लेकिन जब ए अलग हो जाता है और बी कंपोनेंट या बी सब यूनिट अलग हो जाता है तब ये क्या हो जाती हैं तब ये एक्टिव हो जाती हैं यही वाला केस यहां पर है ठीक है तो C3, C4, C5 तीनों में एक जैसा क्लीवेज होता है कैसा देखिए C3 का जब क्लीवेज होता है तो C3A थ्री ए एंड सी में बदल जाता है जब C3A अब ये जो C3A, C3B बना है ना इसी को तो हम कंपोनेंट कहते हैं ठीक है दीज आर दी कंपोनेंट कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट हम इसको कह सकते हैं और इसी के बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा कि जो कंपोनेंट होते हैं वो सात तरीके से काम कर सकते हैं तो इन्हीं के बारे में बात हो रहा था ये कैसे काम कर सकते हैं सो लेट्स सी यहाँ पर क्या बोला है जैसे कि हमने देखा सी थ्री सी थ्री ए क्या होता है जब ये क्लीव होता है तो ये सबसे स्मॉलर सब यूनिट होता है एस कंपेयर टू सी थ्री बी और सी थ्री बी सी थ्री ए के कम्पेरिजन में लार्जर होता है तो देखा यह जाता है कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती है उनके में एक रेगुलेटरी सब यूनिट होता है एक कैटेलिटिक सब यूनिट होता है तो जो सी थ्री ए है वो रेगुलेटरी सब यूनिट कहलाता है और जो लार्जर सब यूनिट होता है वो एक्चुअल में आगे पाथवे में पार्टिसिपेट करता है और उसे हम कहते हैं कैटेलिटिक सब यूनिट तो जो लार्जर सब यूनिट होगा वो हमेशा कैटेलिटिक यहाँ पे रिगार्ड किया जाएगा सिमिलर केस विदोर सी फोर ऑल्सो जब C4 फोर क्लीव होता है तो C4A फोर ए एंड सी में बदलता है C4A फोर ए स्मॉल रहता है C4B फोर बी लार्ज रहता है

तीनों के केस में इन तीनों में से जब भी कोई एक्टिवेट होगा कौन सा कंपोनेंट यहां पर काम करेगा यहां पे काम करेगा सी थ्री बी सी फोर बी एंड सी फाइव बी ठीक है क्योंकि ये कैटेलिटिक कंपोनेंट है या कैटेलिटिक सब यूनिट है तो इन्हीं का काम होगा मेजर तरीके से पाथवे में जाकर पार्टिसिपेट करना होप इट इज क्लियर तो ये होता है कॉमन ठीक है ये कॉमन तरीके का क्लीवेज है कि भाई ए और बी में चेंज होगा ए छोटा होगा बी लार्जर सब यूनिट होगा लेकिन जब हम सी टू के बारे में देखते हैं तो सी टू पूरा एक्सेप्शनल केस दिखाता है ये पूरा है। कैसे सी टू के सी टू के लिए इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा है क्योंकि जो सी टू प्रोटीन टू है ये भी सी टू ए में ब्रेक होता है एंड सी टू बी में ब्रेक होता है लेकिन काम उल्टा है इसका ए कंपोनेंट लार्जर होता है और बी कंपोनेंट स्मॉलर होता है जबकि अभी तक हमने देखा था कि सी थ्री से लेकर सी फाइव तक जो ए कंपोनेंट है वो स्मॉल है और बी कंपोनेंट लार्ज है लेकिन यहां पर उल्टा होता है इसका ए कंपोनेंट लार्ज होता है बी कंपोनेंट स्मॉल होता है और हेंस इसीलिए जो लार्जर कंपोनेंट है वो कैटेलेटिक सब यूनिट की तरह काम करता है जैसा कि बाकी बाकी कॉमन टाइप में काम कर रहा था क्योंकि हर बार हमने यही कहा जो लार्जर सब यूनिट है वही कैटेलिटिक की तरह काम करेगा बट यहाँ पे देखने को यही मिल रहा है कि लार्जर सब यूनिट तो यहां पर ए हो गया है इसीलिए ए यहाँ पे कैटेलिटिक की तरह काम करेगा क्योंकि ये नहीं बोलना है हमेशा लार्जर वही काम करेगा एस अ कैटलिटिक सब यूनिट यानी रिएक्शन में वही पार्टिसिपेट करेगा पाथवे में वही पार्टिसिपेट करेगा ठीक है तो हमने देख लिया सी से लेके सी तक राइट अब हम देखते हैं फाइव से लेके टोटल नाइन तक ये क्या करती हैं? तो देखिए जब सी फाइव बी का क्लीवेज होता है तो मैंने आपको बताया सी फाइव एंड सी फाइव बी बनता है बी कंपोनेंट क्या करता है बी कंपोनेंट लार्ज होता है और वो पाथवे में पार्टिसिपेट करता है तो देखा यह जाता है कि सी फाइव बी सी सिक्स सी सेवन सी एट और सी नाइन C6 से लेकर C9 तक इनका ब्रेक break, ब्रेकेज नहीं होता मतलब इनका फ्रेगमेंटेशन नहीं होता ये क्लीव नहीं होते C5 तक क्लीवेज होता है तो C5B, C6, C7, C8, C9, सी एट सी नाइन ठीक है सी नाइन का भी मल्टीपल कॉपी ये सारे मिलके सी फाइव बी से हम इसको कैसे लिखते हैं हम इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं जो लिखने का तरीका होता है वो कुछ ऐसा होता है कि सी फाइव बी टू सी नाइन ऐसे लिखा जाता है यानी से लेकर सी नाइन तक के जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एज वेल एज होंगे, वो क्या करते हैं वो मैक का formation करते हैं। मैक क्या है पे? मैक है पे? पे कैसा दिखता है ये कुछ ऐसा दिखता है देखिए पिक्चर मैंने आपके सामने रखा है ये देख सकते हैं आप दिस इज अव बी ये रहा सेवन ये रहा सिक्स सी एट ये रहा लेकिन सी नाइन देख रहे हैं आप ये जितना आपको फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना ये देख लीजिए ये पूरा का पूरा ठीक है ये जो पूरा पोर्शन है ये पूरा C9 से ही मिलकर बना है इसलिए कहा गया था यहाँ पे मल्टीपल C9 और इसको हम एक्चुअल में कहते हैं अगर देखा जाए तो इसको हम बोलते हैं पॉली C9 ऐसे कहा जाता है क्योंकि पॉली मीन्स वॉट मल्टीपल कॉपी में प्रेजेंट है तो C5 से लेकर C नाइन तक मतलब सी फाइव बी से लेकर स्पेशली ठीक है सी फाइव ए इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है सी फाइव का भी क्लीव्ड कंपोनेंट जो कि होता है सी फाइव बी से लेके सी नाइन तक जो कॉम्बिनेशन बैठता है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम मैक कहते हैं मैक इज दी मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स यानी ये किसके ऊपर बना है? ये आप देख रहे हैं ये जो मेम्ब्रेन है ये एक्चुअल में पैथोजन का मेम्ब्रेन है और इस पैथोजन के मेम्ब्रेन के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है इस टाइप का मैक बन गया अब इसकी वजह से क्या हुआ यहाँ से पोर क्रिएट हो गया है अब कोई भी चीज यहाँ से नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे अंदर एंटर करके सारा का सारा जो भी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट होता है उससे डिस्टर्ब कर देती है और पैथोजन का डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो हमने देख लिया C1 से लेकर टोटल C1 से लेकर C9 तक क्या काम है कैसे काम है एवरीथिंग नाउ नावलेट सी की कॉम्प्लीमेंट पाथवे कितने टाइप से देखा जाता है ठीक है तो कॉम्प्लीमेंट पाथवे जो है टोटल तीन टाइप के हैं ऑल दो इसको मैं डिटेल में अगले वीडियो में कवर करूंगी कॉम्प्लीमेंट पाथवे तीन टाइप के हैं पहले को हमने नाम दिया है क्लासिकल पाथवे जिसमें कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट मैनर में काम चलता है एंटीबॉडी डिपेंडेंट मैनर में का मतलब होता है एंटीबॉडी इसमें इन्वॉल्व होगी क्लासिकल पाथवे में एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं एंड ऑब्वियसली एंटीबॉडी इन्वॉल्व है तो हम कहेंगे इट इज दी पार्ट ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी नेक्स्ट पाथवे को हम बोलते हैं अल्टरनेटिव पाथवे अल्टरनेटिव पाथवे एंटीबॉडी इनडिपेंडेंट होता है मतलब कि इसमें एंटीबॉडी नहीं देखी जाती है इसमें एंटीबॉडी काम नहीं करेगी एंड इट इज द पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है तो वेरी ऑब्वियस इट इज दार्ट ऑफ इन्ट इम्यूनिटी नेक्स्ट थर्ड पाथवे आता है जिसे हम बोलते हैं लेक्टिन पाथवे लेटिन पाथवे भी एंटीबॉडी इनडिपेंडेंट है मतलब कि इसमें भी एंटीबॉडी काम नहीं करती है और हेंस इट इज ऑल्सो दार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी तो क्लासिकल पाथवे में एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है इसीलिए वो पार्ट है इम्यूनिटी का अल्टरनेटिव पाथवे एंड लेक्टिन पाथवे एंटीबॉडी इनडिपेंडेंट पाथवे होते हैं और ये दोनों के दोनों पाथ हैं किसका इननेट इम्यूनिटी का अगर हम बात करते हैं क्लासिकल पाथवे कब एक्टिवेट होता है तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होता है जब पहले से ही एंटीजन को एंटीबॉडी ने पकड़ के रखा है और एक कॉम्प्लेक्स बना के रखा है तो वो जो यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड करके रखते हैं उनके एक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए जो अलग से कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होती हैं वो जाकर बाइंड कर जाती हैं और क्लासिकल पाथवे चल पड़ता है लेक्टिन पाथवे कब एक्टिवेट होता है जब किसी पैम्प को रिकॉग्नाइज किया जाता है लेक्टीन के थ्रू ठीक है तब जो है लेक्टिन पाथवे एक्टिवेट होता है अल्टरनेटिव पाथवे के एक्टिवेट होने का रीजन क्या है स्पॉन्टेनियस अगर हाइड्रोलिस हो जाता है या फिर पैथोजेनिक सरफेस से जो है कुछ मॉलिकल्स ब्रेक हो जाते हैं तो उस टाइम पे हमें अल्टरनेटिव पाथवे देखने को मिलता है ऑल दो इन तीनों पाथवे के बारे में डिटेल में लेक्चर आने वाला है आने मतलब कि आने वाला है मैं अपने अपकमिंग वीडियोज में जो है इनका डिटेल वर्जन कवर करने वाली हूँ बिकॉज इनपे क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं चाहे वो कोई भी एग्जाम हो तो डिटेल लेक्चर जो है इस पर बहुत जल्द आने वाला है कि ये तीनों पाथवे क्या है कैसे काम करते हैं हर एक डिटेल को मैं वहाँ पर डिस्कस करूंगी ठीक है तो इसके साथ जो है हमने एक इंट्रोडक्शन कर लिया अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ ओनली द इंट्रोडक्टरी पार्ट ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था क्योंकि अगर आपको इन सब के बारे में पता नहीं है तो बहुत मुश्किल होगी आपको समझने में कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन काम कैसे करती हैं तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लासिकल जो कॉम्प्लीमेंट पाथवे है वो कैसे काम करता है कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट इन्वॉल्व होते हैं और उसका क्या फंक्शन है सो थैंक यू सो मच एवरी वन वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला थैंक यू सो मच